सामने इतना अफसोसता क्यों बैठे हो भाई? यार मेरे पैसे मैंने निकाल लिए। किनों पैसे किसके पास हैं? मेरे को 100% पता है पैसे किसके पास हैं। किसके पास? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वीडियो देख के आपको लग रहा होगा बिल्कुल मैं अभी अभी उठा हूँ, और अभी उठने के बाद ये कि रात में मामू हमारे साथ आ गए थे, बारात खत्म हुई थी, रुखसती हुई थी, फिर हम घर चले गए थे। घर जाने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर हम आ गए थे। सुबह फजर के वक्त पहुँचे अलहमदिल्ला कराची, फिर सोए और सोने के बाद उठे। अभी के मामू एक हमारे साथ आए थे, उनको जाना भी, उनकी वापसी है, रवानगी है शाम में, तो उनको एक जगह मुलाकात भी करानी किसी से, तो वहाँ पे भी जाना है। और फिर अभी नाश्ता भी हम नाश्ता लेने निकले, बेसिकली अभी नाश्ता लेके घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद मामू से बाहर निकलेंगे, फिर रात में वलीमा है, रात में वलीमे में भी जाना है, और सारे ससुराल वाले आएंगे, देखते हैं रात में ससुराल वाला कोई रुकता है नहीं रुकता है जो भी है। और आज थोड़ी सी मेरे ख्याल से मौसम जो है गर्मी गर्मी वाला मौसम हो रहा है, और ऐसा था कि बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन बारिश नहीं हो रही है भाई। तुम क्या चाहिए आपको? केक चाहिए आपको? ये ना केक चाहिए आपको? हम नाश्ता लेने आया, मोहम्मद आदम की फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही हैं भाई साहब, को ये वाला केक चाहिए। मैं कह रहा हूँ छोटा ले लो पैनकेक, लेकिन कह रहे मुझे ये वाला केक चाहिए। ये तो गलत बात है ना भाई, है ना मोहम्मद? देखिए कैसे तरीके से बैठा, क्योंकि इसको अपना काम करवाना है ना बाबा से। नाश्ता वगैरह ले लिया हमने, और अब हम थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करने के लिए हमने मंगवाया है काकोला मिल्क, है ना मोहम्मद? भाई मामू बैठे हैं हमारे घर पे, हम अपने आप को एजाज समझते हैं कि मामू हमारे घर पे आए हैं, और मामू हमारे घर पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और मामू को जबरदस्ती हम लेके आए हैं हैदराबाद से। क्यों मामू जी? सही कह रहा हूँ भाई, कायनात बहुत अच्छा लगा उनके, और बहुत अच्छा घर है इनका। अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया, कराची जैसे मॉल के अंदर इतना मॉडर्न घर बना हुआ है, और इतना सिक्योर है, इतना जबरदस्त है फ्लैट, यहाँ के कराची के मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते। मामू पिंडी से आए, ये भी मैं बता दूं, इस्लामाबाद से स्पेशली आए थे शादी के लिए, और मामू को मैं खींच के ले आया जबरदस्ती। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग सुबह 6 बजे पहुंचे, 4 बजे निकले, उससे पहले कुछ गेम चल रहे थे हमारे आपस में, तो बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया शादी को, लेकिन वलीमा छोड़ के जाना पड़ रहा है, मंडे को कुछ काम है। बाबू आपको तो लोगों से मुलाकात करवानी थी मामू की। खैर वो भी आपको बताएंगे, किस्सा बताएंगे कौन है वो, बस वो ही नहीं है। तो मेरे बदले से ये मिलेंगे और कुछ वीडियोस मुझे डाल देंगे, दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह कि हमने किन की बात कर रहे थे, लेकिन हम नहीं बता सकते हम किन की बात कर रहे थे, जो समझ गया वो समझ गया कि हम किन की बात कर रहे थे। हमजा आपने वीडियो भी अपलोड कर दी, वरना सब समझ जाएंगे, कुछ नहीं बता। बस मामू ने मना कर दिया, अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग सभी देखते हैं। भाई हम मामू को जो है छोड़ने आ गए एयरपोर्ट, और मामू का हम हाफिज करेंगे, हाफिज, थैंक यू चाची, थैंक यू हमजा, कायनात, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और इंशाल्लाह मामू का जहाज मिला था, मामू वो खड़ा हुआ जहाज, हाँ हम एयरपोर्ट आ गए, इंशाल्लाह फिर मामू से मुलाकात होती है, मामू अल्लाह हाफिज करते हैं। ओके मामू, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी आपसे, छोड़ दिया है और अब हम वापसी करेंगे, और हमने जाना है 6:15 हो गए, और अब हमने जाना है कहाँ पे, वलीमे की तैयारी करनी है, और वलीमे पे जाना है हमने, घर जाके देखते हैं बेगम तैयार हो गई है नहीं हुई है, बच्चे अच्छे तैयार हो गए नहीं। एयरपोर्ट आओ, एयरपोर्ट का अपना ही मज़ा होता है, दिल चाहता है किसी को भी छोड़ने आओ तो फिर दिल चाहता है यार हम भी बैठ गए ना इसी परवाज़ में, हम भी जो है निकल जाएं, दिल तो हमारा यही चाहता है, लेकिन क्या करें भाई, अपने हर किसी के अपने काम काज होते हैं, खुशी होती है कि यार किसी को छोड़ने आओ ना, दिल चाहता है कि यार निकल जाएं भी, कोई भी फ्लाइट पकड़ के घूम फिर आए ऐसा। ये क्या करके आए हो, अपना उलिया बना के आए हो भाई, हैं कहाँ थे आप? ये देखें मोहम्मद आदम जो है भाई साहब, इधर गोल घूमो ना, ये देखें हालत देखे जरा इसकी,
क्या है ये लाल टमाटर हो गया मेरा बेटा नीचे क्या कर रहे हो रहे हम और क्या शहर हो रहे हैं वक्त आपको पता है मैच चल रहा है पाकिस्तान का और एक्साइटमेंट जो हो रही है और आपके सामने मैच की तक चल रहा है इसलिए स्लोली स्लोली तैयार हो रहे हैं हम तो कि क्या होता है क्या बनता है पाकिस्तान का होपफुली पाकिस्तान जीते और हमारे सारे मेहमान जो हैं जो हैदराबाद से आ रहे हैं वो नूरियाबाद तक पहुंच गए हैं वो भी बस पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह फिर हम भी निकलते हैं तैयार होकर जब तक लग रहा है मैच भी जल्दी ख़त्म हो पाकिस्तान जीत जाए भाई ये रेडी हो गया आपका भाई पहले बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं लग रहा हूँ ना फिर एकदम सोफिस्टिकेटेड खैर सब पहुँच गए हैं टोल तक आ गए कराची टोल तक हम बस हम निकल रहे हैं यहाँ से और फिर इंशाल्लाह कैचअप करते हैं उनके साथ हम पहुँच गए हैं ठीक है और वेन्यू आज का ये है कॉन्टिनेंटल लग्जरी आप तो उधर की बातें लड़के वाले ना वो लड़की वाले ना हाँ लड़के वाले साढ़े दस हो गए भाई देखो मैं तो पहुंच गया हूँ अभी नहीं आया ना हैदराबाद वाले आ जाएंगे अभी आ रहे हैं रास्ते में ये जवाद भाई हमारे जवाद भाई ए जवाद भाई माशाल्लाह भाई ये क्या बने ये फादर बने हाँ ये तभी जो ना शादी से गायब थे हैं जवाद भाई ये थोड़े कैमरा शो आपको ले लिया भाई फेल हो जाएगा ये भाई फेल हो जवाद भाई आ गए ना अब तो हिट हो जाएगा जवाद मामा कैमरा शो है हाँ कैमरा शाह है भाई ये हाँ। क्या करे ये क्या होता है कैमरा शाह अरे ये मतलब ये होता है जो बंदा कैमरा पे आना नहीं चाहता ना उसको कैमरा शाह क्या करेंगे आगे ये चल रहा है क्या उसामा भाई जवाद भाई उसामा भाई के बारे में आपको पता है बारात पे क्या हुआ इनके साथ गलत सीन हुआ अभी से रन मुरीदी वाले काम चल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई भाई मेरी फियांसी आई हुई थी उनके साथ था फियांसी इनकी फियांसी आई हुई थी और पता क्या हुआ था क्या हुआ क्या हुआ था कुछ भी नहीं हुआ सुना कंटे वंटे बिना ये हमारे मामू है भाई एक मामू हुआ है जिनको हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ये उन्हीं के भाई हैं शाहरुख मामू मामू आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया चैनल आपका अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं करा इंशाल्लाह मैं कर लूँगा पर तमाम व्यूवर्स को देखने वालों को कहना है कि इनके चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें कमेंट्स करें और अपना भरपूर प्यार देते रहें मामू आपने तो महफिल लूट ली हाँ भाई क्या सीन है मेरा आपका यहीं रुक रहे हैं या जा रहे हैं आप हैदराबाद वापसी स्कीम तो दी है इनको अब शायद मान जाए तो आप सोचता क्यों बैठे हो भाई यार मेरे पैसे इन्होंने निकाल लिए किन्होंने ये दानियल और लारुश और भाई भाई मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई ने इनका हाथ पकड़ा एक ने दूसरा हाथ एक ने जेब में हाथ घुसाड़ के जो है ना पैसे निकाल लिए अब ये बोलते हैं मेरे हैं 5,500 वो भाई बोलते हैं 1,500 थे ये भाई बोल रहे हैं कि 2,500 है मैं बोल रहा हूँ 3,000 है अब समझ नहीं आ रहा आखिर पैसे है कितने ये तो बोल रहे हैं अब ये बोल रहे हैं कि मेरे 9,000 पैसे थे तो आप इतना सुनता क्यों बैठे हो फिर कोई बात नहीं यार नहीं नहीं मेरे पैसे मुझे उनसे चाहिए अरे यार बेचारे दुकान के पैसे लेके आए थे इनके पैसे निकाल लिए इन लोगों ने क्या कर रहे हैं गल्ले के पैसे थे भाई गल्ले के थे गल्ले के ये तो गलत हो गया यार शाम भाई आपके साथ क्या किया जाए अब नहीं मैं इनसे पैसे लूंगा अपने तो उतर तो लो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो आप नहीं यहाँ से जाएंगे तो फिर मैं इनके पैसे निकालूंगा भाई काइंडली आप हमारी चाय गाड़ी में भिजवा दें बिल्कुल सर चाय आ जाती है ये बता दो पैसे किसके पास हैं उसामा भाई तो उधर है हमजा भाई कसम से उन्होंने ऐसी बहाना करके हाथ में दे दिए मेरे पास पैसे हैं नहीं ना मुझे पता है किसके भाई के पास लग रहे हैं वाहिद भाई के अच्छा आपको पता है पैसे किसके पास हैं आपको भी नहीं पता फाइनल भाई की जेबी वो चेक करते हम सिर्फ देख रहे थे अच्छा स्कोर लग रहा है यार नहीं नहीं भाई मेरे पास पैसे किसके पास हैं मेरे को 100% पता है पैसे किसके पास हैं उसामा भाई नहीं है इधर आप बता दें कोई बात नहीं ये बात इसी वीडियो में रह जाएगी ये वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो जाती भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे नहीं मालूम पैसे किसके पास है हाँ मैं इस काम में शरीक था पर मुझे ये नहीं पता किसके पास है देख रहे हो आप ये अब पता लग गया आपको पैसे किसके पास पता चल गया मुझे पैसे किसके पास है मेरे पास कहाँ है आता भाई का मजाक हो रहा है यहाँ पे नहीं नहीं वॉलेट लिया जा रहा है वॉलेट लिया जा रहा है किसका वॉलेट लिया जा रहा है कौन भाई का वॉलेट टूटिया है उसका वॉलेट टूटिया है ना जान नहीं है क्या एनआईसी हो गया उसामा भाई बचा लिया आपने वॉलेट या छीन लिया हाँ ले लिया मेरे पास
भाई किसका वॉलेट गया? किसका वॉलेट गया? आपका वॉलेट गया? ओहो गुंडे आए हुए यहाँ पे भाई, आपको बुला रहे राजा भाई। 500 रुपए की क्या स्ट्रेट है? 5,000 रुपए मैंने उसको वॉलेट में से निकाल दिया। बोला मेरे गरीब का क्या वास्ता? मैंने बोला 550 रुपए आपने निकाल लिए थे मेरे, ठीक है 4,500 रुपए मैं आपको वापस दे दिए थे और 4,450 रुपए। वी आर नाउ एट होम और अभी हम जिस साहब ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी ख़त्म हो गई, वलीमा भी आज ख़त्म हो गया और अब जो है घर आए अभी और घर आके अभी चेंज विंज किए मैंने, तो बस ये तो थकावट बहुत हुई आज और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।